हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मेरे प्रिय साथियों, तीन बातों को हमेशा स्मरण रखना। श्री कृष्ण जी की बताई हुई ये तीन बातें क्या हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। नंबर एक, ऐसे तीन इंसानों से कभी संपर्क ना करें, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत ही बुरा होता है। वो तीन बातें क्या हैं? जो आदमी आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है और दूसरे के पास जाकर आपके बारे में हर टाइम आपकी बुराई करता है। दूसरा, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है ना, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम में आपके साथ है और बुरे टाइम में आपका साथ छोड़कर चला जाता है, बुरे टाइम में आपका साथ नहीं देता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति से कभी संपर्क में ना रहें, ऐसे व्यक्ति के कभी संपर्क में ना रहें और उसको भी अपने संपर्क में नहीं आने दें, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आपका सम्मान नहीं करता है, हमेशा आपसे द्वेष भावना, ईर्ष्या उसके मन में भरी हुई है। अगर ये जान जाएं तो आप उसको अपने संपर्क में कभी मत रखना। दूसरी बात, जिस इंसान से जो भी कहना है उसके सामने कहें, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, ये याद रखना दोस्तों। जहां तुम्हारे माँ बाप का सम्मान नहीं है और तुम्हारा सम्मान भी नहीं है, तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, उसके घर कभी जाना मत, कभी उसके घर जाना नहीं। संबंध दूर के रखना। किसी इंसान को तुमने तीन बार समझा दिया है और वह इंसान बार बार वही गलती करता है, उसका त्याग कर दो, उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। त्याग करने में कोई पाप नहीं है दोस्तों। तीसरी बात, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। निरंतर अपने धर्म के अनुसार कार्य करते रहो और मन में ये पक्का विश्वास रखो, जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगी उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
कर्म का यह अटल विधान है कि इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी ऐसा कहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।